जी हाँ, आप सही देखे हैं। तो आप मिनी जू का ही वीडियो देख रहे हैं और आपके साथ मैं शेयर करूंगा बहुत सारा एनिमल, बहुत सारा मतलब मिनी जू में मिनी मिनी एनिमल्स रहते हैं, तो बहुत कम एनिमल को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी तो काऊ ही है और जो सारा क्वांटिटी है वो कम कम है। तो सभी के साथ आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे और एंजॉय कीजिए अपना मिनी जू को। आप यदि वीडियो पे बने रहेंगे ना, आपको लगेगा कि आप खुद ही इसी मिनी जू में हैं और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आप मिनी जू में इतना सारा एनिमल के साथ जब आप मतलब वक्त गुजारेंगे, आपका जो टाइम है मोबाइल पे जो दे रहे हैं, तो उसके वजह से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो उसी के लिए आप बने रहिए वीडियो पे और कमेंट जरूर डाल दीजिए। तो चलिए फिर, जय गोपाल जय गो माता, फिर से आपको न्यू ब्लॉग में वेलकम। तो आ जाइए, छोटा सा जू है स्टार्ट हो जाता है ये घर का एक कोने से। तो घर पे अभी देख रहे हैं दो लव बर्ड है, तो ऑलरेडी बेबी मतलब अभी देख पा रहे हैं उनका दो एग ऑलरेडी दे दिए हैं, देख पा रहे हैं दो एग है। तो अभी लव बर्ड जो है यहाँ पे रखे हुए हैं और अपना जो कोको है देख पा रहे हैं इधर है। तो कोको के लिए अभी इतना अच्छा घर नहीं बन पाया, मगर जैसा है बस ऐसे काम चल रहा है। तो आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो कोको को हम वहाँ पे फार्म पे उसके लिए अच्छे से घर बनाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मगर यहाँ पे कोको के लिए कूलर रखा गया है तो उससे थोड़ा ठंडा महसूस होगा उसको। तो ये है कोको का घर छोटा सा, तो कोको जैसे बड़ा होगा ये घर उसके लिए सही नहीं रहेगा। तो अपना जो मिनी जू है उसका कुछ मेंबर जो है घर पे हैं और जो मेंबर है फार्म पे है। तो हम ये जो मैं बोल रहा हूँ जू इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये तो एक डेयरी फार्म है, मगर जू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा एनिमल को मैं यहाँ पे रखा हूँ। तो आपको वो सारे चीज़ दिखा देता हूँ इस वीडियो में, कौन सा एनिमल इधर है जिसके वजह से मैं इसको जू बोल रहा हूँ। तो आ जाइए, छोटा सा जू कैसे लगेगा आपको, आप ज़रूर मेरे को कमेंट दीजिए और बताइए। तो पहले तो दो जो है अपना कोको और जो लव बर्ड है उनको घर पे रखे हैं और जो बाकी का जो एनिमल है वो इधर है उनके साथ मिलाते हैं। आ जाइए, तो यहाँ पे हम टर्टल को रखें जिसको रेस्क्यू करके लेके आए हैं, उसको फिलहाल हम तालाब में छोड़ेंगे, मगर यहाँ पे अभी है, थोड़ा उनका हालत सही हो जाएगा तो उनको तालाब में छोड़ देंगे। तो वो तो हो गया अपना लाइव चीज़ का टर्टल है, और इधर देख पा रहे हैं बहुत सारा प्लांट है। तो ये सब प्लांट आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही यूनिक प्लांट है जिसको हम यहाँ पर रखे हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना जो जू का मिनी जू का अपना भोला, देख पा रहे हैं। तो भोला जो है बहुत ही सुंदर है अपना जू में। तो भोला, हाँ भोला 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 दुर्गी को छोड़ो। तो भोला अभी दुर्गी के साथ दुर्गी को मसाज दे रही है, तो भोला अभी दुर्गी को मसाज दे रहा है ना क्या। तो अभी हम अंदर जाएंगे कुछ चीज़ देखने के लिए, आपको आपके साथ मिलाएंगे और कुछ जो यहाँ पे रखे हुए हैं स्पेशल चीज़। तो देख पा रहे हैं दो रेबिट है, हाँ उसमें थोड़ा वो गीला हो गया है, जाओ रेबिट को पकड़ लो, जाओ पकड़ो उसको, पकड़ो वो वाला रेबिट को, अरे नहीं पकड़ पाया। हाँ तो हाँ धीरे धीरे धीरे, तो इधर है रैबिट और ये अपना स्पेशल मीरा। मीरा का बात तो बहुत पहले से सबको ही जानते होंगे, मेरा अपना ये फार्म का
पहला मेंबर है। तो आ जाओ आ जाओ, मेरा और उसका माँ को छोड़ दो, वो अपना अंदाज में बैठे हैं। हाँ तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये दोनों भी दोस्त हैं। हाँ वो दोनों दोस्त हैं, तुम भी उसका दोस्त है। ये नया मेहमान है, इसका नाम क्या देंगे बताओ, इसका नाम क्या देंगे? हाँ उसके पास जाओ, उसके जो पास जाओ बताओ उसका नाम क्या देंगे। बोलो क्या तुम्हारा नाम क्या है, पूछो उसे नाम क्या है। हाँ जाओ उसके पास जाओ, तुम जाओ उसके पास। हाँ 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 पूछो पूछो उसको, तब उसके पास जाओ। तो अभी थोड़ा मुन्ना के पास जाएंगे। मुन्ना मुन्ना हाँ, तो ये हमेशा ऐसे करते रहता है, तो इसका एक इसका और इसका ये दोनों का ऐसे ही हमेशा चलता है। तो पता नहीं ये कौन सा टाइप का बीमारी है, तो उसका मुंह में हमेशा ऐसा होता है। एक अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, इधर भोला है और ऊपर आप देख पा रहे हैं कबूतर। तो ये भी बहुत अच्छे कबूतर का ब्रीड है। तो देख पा रहे हैं सारे जितना भी कबूतर इधर है वाइट है। तो इनके लिए हम कैसे घर बना के रखें कभी देखा है नहीं, मगर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कबूतर का घर कैसा है। तो ऐसे हम जो फार्म के साइड में हम कबूतर रखे हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये अभी एक दे दिया है, तो अभी वो उसको उसका काम पे लगा हुआ है, तो उसको छोड़ देते हैं उसके जगह पे। हमारा मिनी जू में 7 स्पेसिस है, तो दो जो है कि उधर है घर पे वो ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पे उनके लिए घर बन जाएगा तो तब ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो है काऊ है, और उसके बाद सबका क्वांटिटी धीरे धीरे कम कम है, जैसे कि कबूतर का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। तो कोको एक है, मतलब जर्मन शेपर्ड का ब्रीड जो डॉग का ब्रीड है एक ही है। उसके बाद और 4 आड़े होने वाले हैं जब घर बनेगा। और ऐसे सारे चीज़ को यहाँ पे रखने का एक मकसद है, क्योंकि जब आपका मन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तब आप एक ही काम कीजिए। ऐसा मिनी जू है तो आपका घर के पास आ जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए बहुत अच्छा लगेगा। हाँ और एक 7 8 और एक स्क्वेरल है जिसको हम पकड़ के रखे थे, मगर वो अभी आज़ाद हो गए, मगर हमेशा घूमता है, कभी कभी आता है पास में। और भी उसका मतलब उसको छोड़ दिए हैं, जैसे भी वो आएगा खाएगा फिर जाएगा, तो वैसा है। तो इतना सारा चीज़ इधर है, तो इसी के वजह से मैं इसको मिनी जू बोलने लगा। तो आपको अपना मिनी जू कैसे लगा आप लोग तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो हाँ और एक स्पेसिस को दिखाता हूँ, आप जानते होंगे वाइट फिंच को, तो वो दिखा देते हैं। तो थोड़ा आज सुबह सुबह एक ट्रेजेडी हो गया है, तो 3 रखे थे वाइट फिंच को, तो तीनों से एक का डेथ हो गया है, तो थोड़ा मन ख़राब हुआ। तो दिखाता हूँ आ जाए तो मेरा मिनी जू घूमने के बाद मैं थक चुका हूँ, तो इसी के वजह से मैं एक मेरा जो स्पेशल जगह है जहाँ पे मैं बैठता हूँ आराम करता हूँ वहाँ पे बैठ गया। तो आपको मेरा मिनी जू कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मिनी जू में क्या क्या आड़ करेंगे। एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम अभी है कि मिनी जू में कंस्ट्रक्शन काम बहुत बाकी है, क्योंकि बहुत सारा जितना भी एनिमल्स है यहाँ पर उनके लिए सही ढंग से घर नहीं है, तो उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मगर धीरे धीरे करके ये सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। मगर देखते हैं कितना दिन लगेगा वो देखना है, मगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सबके लिए घर बहुत जल्दी बन जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जितना पाए शेयर कीजिए और व्यू कीजिए, उससे क्या होगा जो
मतलब सपोर्ट आपके तरफ से मेरे को मिल रहा है, तो वो सपोर्ट मेरा मिनी जू में जितना यहाँ पे है एनिमल्स उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो उसी के वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा मेरे को सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है आप लोग तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और बुरा लगता है तो फिर भी कमेंट कर दीजिए कि अच्छा लगा बोल के। ठीक है, चलिए, इससे क्या होता है मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं और अच्छे से कंटेंट आपके साथ क्रिएट करके आपके साथ शेयर करूं। और बहुत कुछ है, जैसे अपना ये फार्म पे बहुत एनिमल को हम रखे हैं तो सबको हम देख रहे हैं और उनका क्या क्या प्रॉब्लम रहता है वो सारा चीज़ देखते हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय गोपाल, जय गोमा।